हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में जो है आपको लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ आपके सामने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पिछले वाले वीडियो में भी आपको एक लॉग का क्वेश्चन बताया था, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि लॉग वाला टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका टेक्निक एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा। लेट एफ बार एस इक्वल्स टू लॉग एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एस इंटू एस प्लस वन। ठीक, ये अपना हो गया। वी नो बाय इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म of multiplication is given by क्या होता बताओ तो टी इंटू एफ ऑफ टी। ठीक है, इसका अगर मैं लाप्लास निकालूंगा तो ये बताओ क्या होता है ये। क्योंकि टी के पावर वन है तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस वन की पावर वन होगा, तो दिस इज माइनस डी अपॉन डी एस, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन होगा, और यहाँ पर तो क्या आएगा आपका एफ बार ऑफ एस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं इसको, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ। तो टी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ डी अपॉन डी एस ऑफ एफ बार एस। ये ठीक है, मुझे क्या निकालना है, पहले इसको जो भी आपको एफ ऑफ एस दिया होगा उसको पहले मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एस, देर आफ्टर उसका मैं क्या करूँगा इन्वर्स निकालूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होगा ये। लाप्लास इन्वर्स ऑफ डी अपॉन डी एस ऑफ, ठीक है यहाँ पे होता है आपको फंक्शन क्या दिया, लॉग दिया है लॉग। ठीक है, देखो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, लॉग एस स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एस माइनस लॉग एस प्लस वन। ये वाला माइनस क्यों है, बिकॉज दोनों क्या है नेगेटिव में, दोनों क्या है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लिए। ओके, अब इसको ऐसे कर लो। ठीक है, अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, सबको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो माइनस एल इनवर्स, इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है देखो क्या होगा ये, वन ओपन में एस स्क्वायर प्लस, है ना, वन ओपन में एस स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ऊपर तो क्या आएगा टू एस आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी बात, फिर देखो क्या होगा, ये क्या होगा वन ओपन में वन, अच्छा वन लॉग ऐसे क्या होता है वन अपॉन एस होगा, और ये क्या होगा देखो तो माइनस वन अपॉन में एस प्लस वन रहेगा। ठीक है, तो ये तो अपन उसको डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब मुझे करना क्या है, लाप्लास इनवर्स को अप्लाई करना है, इनवर्स लाप्लास को अप्लाई करना है। बट बिफोर दैट देखो यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, तो काम को इसको नेगेटिव, इसको इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर लो पहले। तो देखो क्या हो जाएगी, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन माइनस टू एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन कर लो इसको। ठीक है, ओके, अब ये बताओ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और ये बताओ क्या होगा आपका, ये आपका कॉस वाला फंक्शन होगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बिकम वन, वन का जो लाप्लास होता है क्या होता है वन अपॉन एस होता है, तो वन अपॉन एस का इनवर्स लाप्लास क्या होगा वन हो जाएगा। वैसे ये बताओ क्या होगा, e की पावर माइनस टी हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस टू को जब मैं कॉमन निकाल लूँगा तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन विल बी कॉस टी। ठीक है, तो ये अपना निकल चुका है, दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी निकल चुका है यहाँ पे, टी इंटू एफ ऑफ टी, बट मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ टी चाहिए। तो दिस इक्वल्स टू वन प्लस e की पावर माइनस टी माइनस टू कॉस टी अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे टी आएगा। तो दिस इज माई आंसर। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो जो है पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।